स्टार्टिंग है कि आपके ब्रेकअप क्यों हुआ था, आपके ब्रेकअप क्यों हुआ है, और इसके आगे में आपके क्या लिखा है, आपके पार्टनर जिनके साथ आपके ब्रेकअप हो गया है आपका मिस्टेक था या उनके मिस्टेक थे, और जिस किसी के भी मिस्टेक था और क्या एक्चुअल रीजन क्या था ब्रेकअप होने की, उस बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। तो आपके आज के रीडिंग के टॉपिक है आपके ब्रेकअप क्यों हुआ था और उसके असल जो रियल रीजन क्या है, और ब्रेकअप के आगे में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके क्रिस्टल के हार्ट एंड ये है आपके हेमाटाइट क्रिस्टल्स जो है उसके बॉल, क्रिस्टल के बॉल, एंड दिस इज सनस्टोन, सनस्टोन क्रिस्टल के हार्ट। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। एंड रीडिंग दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी प्लीज गो थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू नो योर इंग्लिश रीडिंग टाइमिंग्स। सो देयर आर टू ऑप्शन, वन इज sunstone and the other one is crystal ball, and today's reading subject is why did you break up with your partner, what has happened there that you both broke up, the real reason of your breakup, and what is next, and why and what is currently happening in his life or her life, currently what is going on in their life. This reading is a timeless video, दिस इज लाइक अगर आप आज से 5 years के बाद में भी देख रहे हो तो ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। उसी की तरीके से मैंने एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाया है। दिस वीडियो इज़ फॉर एनी पर्सन, लाइक वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए रीडिंग है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए, हर टाइम जोन के लोगों के लिए है, एंड मैरिड अनमैरिड हर किसी लोगों के लिए है। तो द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ why did you break up with him or her, what is happening in their lives, and are will they come back to your life again or not. So that is all about today's reading. There are two options, heart and crystal ball. You need to choose one from them, that is what your pica card reading, the one you will choose, that is your pica card reading. So quickly we will start this reading. Why did you break up with him or her? Please subscribe my channel, like my video, and write below to my video to win this kind of bracelet. These are the healing bracelets. So if you want to win this bracelet as a free, you can actually subscribe my channel, like my video, write below to my video on regular basis, so you can win this bracelet. And agar aapko ise personally chahiye, is tarika ke bracelet, you want to opt them personally, you can actually message me or call me. So let me start with heart. Those who choose heart, so we will see why did you guys broke up, आप लोग के ब्रेकअप क्यों हुआ है, सच्चाई क्या था, रियल रीजन। पहला कार्ड आ रहा है पेजेस ऑफ शोर्ट्स, पेजेस ऑफ शोर्ट्स है आपके पहला कार्ड। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का काफ़ी दिनों से ही ब्रेकअप हो रखा है, जैसे 2022 वगैरह से ब्रेकअप हुआ है, एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों का मार्च अप्रैल 2020 में ब्रेकअप हुआ था, और कुछ लोगों का जैसे कि नवंबर दिसंबर 2022 में ब्रेकअप हुआ है। तो ऐसे मुझे दिख रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं। आपके जो एनर्जी है वर्गो के एनर्जी एंड एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। वर्गो यानी कि कन्या राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, तो इन दोनों की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो आप डेफिनेटली वर्गो या एरीज में से हो, या जेमिनाई हो, या लियो हो, या लिब्रा हो, या स्कॉर्पियो हो, या एक्वेरियस हो, इन्हीं में से आपकी एनर्जी है। एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एंड लिब्रा तुला राशि। आपके हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसी राशि में से किसी भी राशि में से हो। या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आप मेरे व्यूअर्स जो है इसी राशि में से हो। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ शोर्ट्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके तो फिलहाल ब्रेकअप और सेपरेशन चल रहा है, और सेपरेशन के रीज़न था थर्ड पर्सन। बेसिकली आपका भी दोष नहीं था और आपके पार्टनर का भी दोष बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत दोष किसी का है तो वो आपके पार्टनर का ही ज़्यादा दोष दिख रहा है मुझे, बिकॉज आपके जो है आपके पार्टनर के किसी और के साथ रिलेशनशिप बन गए थे, मस्ती मज़ा वाला, फ़न लविंग और अच्छा, मतलब एक जो होती है फ़न करना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, इस तरीका के एक रिलेशनशिप उनके किसी और के साथ बना था और जिसके वजह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा। तो आपके ब्रेकअप के रीज़न आप नहीं थे, बेसिकली कोई थर्ड पर्सन एंटर करा था आपके पार्टनर के लाइफ में और उसी के वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके ब्रेकअप हुआ है। और हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा आपके साथ यही चीज़ होता रहता है कि आपके बेसिकली आपके ना ब्रेकअप हो जाते, कोई थर्ड पर्सन एंटर कर जाते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो और उसी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंटर करके आपके पार्टनर के ब्रेन वॉश करते हैं और उसी तरीके से आपके ब्रेकअप होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ इस वक्त में आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, एंड एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में अप्रैल मई तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपके पार्टनर के साथ आपके बातचीत होना शुरू हो जाएगी और एक न्यू बिगिनिंग होंगे, और उसके बाद ये थर्ड पर्सन जो है उसके लाइफ में टेम्पररी है वो खुद ही चला जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे। तो आपका जो ब्रेकअप के रीज़न है, आपके ब्रेकअप के रीज़न बेसिकली आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया था इसीलिए। और आगे में क्या होने वाला है, आप लोग एक दूसरे के साथ होने वाले हो, एंड जो है आपके थोड़ी दिन में थर्ड पर्सन जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के, और आप एक सोलमेट कनेक्शन में चल रहे हो तो वो निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगस्त सितंबर से पहले नहीं होंगे। आपके पार्टनर के साथ जो ब्रेकअप हुआ है वो ठीक होने में आपको अगस्त या सितंबर लग जाएंगे, उससे पहले ये चीज़ नहीं होने वाला है। न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप ठीक होना, ये सब जुलाई अगस्त सितंबर इस दौरान होंगे। फिलहाल के लिए ब्रेकअप जो है 4-5 मंथ्स तक चलेगा, एटलीस्ट अप्रैल मई तक ये ब्रेकअप कंटिन्यू रहेगा। आपके पहले भी कई बार दिल टूट चुका है, कई बार आपको किसी ने कमिटमेंट देके दिल तोड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ आपके साथ हो चुका है। आपके बारे में, आपके एनर्जी के बारे में क्विकली कुछ बात करूँगी। आपके एनर्जी के मुताबिक आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 20, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 23, 4, 22, 31 एंड 13, and 8, 26 and 17, and 9, 18 and 27, and 7, 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं R, J, A, S, P, L, E, H, I, G, N, K। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। सॉरी गाइज, बिकॉज ऑफ द हीलिंग सेशन जो मैं पर्सनली भी करती हूँ, हीलिंग, एंड आप लोगों को भी फ्री में देती हूँ ऑन चैनल, मेरे फ्री हीलिंग है, उसके वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जी आते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आप लोग डिस्चार्ज करते हो, अपने लाइफ का नेगेटिव एनर्जी, वो मेरे पास आती है। मैं रेगुलर बेसिस में उसको हील करके ग्राउंड करती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी की एनर्जी काफ़ी ख़राब रहते हैं तो वो मुझे अटैक करते हैं। मेरे हेल्थ का थोड़ा बहुत, छोटा मोटा, कुछ बड़े नहीं, हेल्थ का इश्यूज़ रहते हैं। हालांकि मैं एक बहुत ही हाई लेवल के हीलर हूँ। अगर जिन लोगों को पता है, मेरे से हीलिंग लिया है, उनको पता है किस तरीका के मेरा एनर्जी लेवल है, लेकिन फिर भी मैं एक हीलर हूँ और आप लोगों के नेगेटिव एनर्जी मैं लेती रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे हेल्थ इश्यूज इसीलिए होते रहते हैं। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आपके थ्रोट इन्फेक्शन पूरे साल भर क्यों रहता है, तो उसके रीज़न थ्रोट इन्फेक्शन या हेल्थ इश्यूज क्यों रहते हैं, उसके रीज़न मैं नहीं हूँ, उसके रीज़न है हीलिंग। जिस दिन मैं हीलिंग बंद कर दूँगी मुझे 3 साल 10 साल में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू गाइज। एनीवे अब जो है आप लोग के एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगी। आपको क्लीनलीनेस जो है ना, क्लीन रहना, क्लीनलीनेस में इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों का ओसीडी है। थोड़ा शाई हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्स्ट्रावर्ट नहीं हो, और हमेशा सेल्फ एनालाइजेशन करते हो, एक सेल्फ क्रिटिक्स पर्सन भी हो। जब भी आप कोई गलत करते हो तो आप अपने आप को सोचते हो कि क्या मैंने गलत किया, मुझे कहाँ पर सुधार लाना चाहिए, ये सब आप करते हो। और एनालाइज करके प्लान बना के हमेशा चलते हो। ये आप में देखा गया है कि आप एनालाइज करके प्लान बना के हमेशा चलते हो। कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो आप बिना बात के कुछ नहीं बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करके उसके बारे में जानने के बाद ही उसे बोलते हो। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप बिना एनालाइजेशन के कोई भी चीज़ किसी को ब्लेम नहीं करते हो और ना ही कोई काम करते हो, हमेशा प्लान करके चलते हो। घर में रहना आपको ज़्यादा पसंद है। अगर आप पूरा दिन भी ट्रैवल करते हो तो भी आपको, अगर 4 घंटा घर में रहते हो या 6 घंटा घर में रहते हो, वही आपके सुकून के टाइम है। तो आपको घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ओपन माइंडेड पर्सन हो, मेथोडोलॉजिकल वे में चलते हो, ऐसे करने से ऐसे होना चाहिए, ऐसे करने से ऐसे होना चाहिए। बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो मिरेकल में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी फेथ है। इस तरीका के आपके नेचर है। इस वक्त में आप रेड या मरून में कुछ पहने हो, ब्लू या नेवी ब्लू, स्काई ब्लू ऐसे कुछ पहने हो, या ग्रीन या वाइट में कुछ पहने हो अटैयर। ये आपके बारे में टोटली रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। बट दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम आई विल डू अ इंग्लिश रीडिंग। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो सो यू कैन विन दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट। किस तरीका से आपको ये ब्रेसलेट मिलेगी वो एंड ऑफ द वीडियो है। तो बेसिकली दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश your person, the reason behind this breakup is not you or any mistake which you have done or your partner you have done, that is nothing to do with you. Basically this got definitely something to do with a third party or third person. A third person entered in your partner's life. Your partner started liking that person and they started going around or started roaming with this person. They like them, and that's kind of a new, totally new love in their life. Not someone who came from past. This person is totally a new person in your partner's life. That person entered in their life. They felt passionate. They are kind of very passionate about this person, your partner. They felt that passionate intense for this particular person who entered in their life, and they left you. So that is, you got nothing to do with this. And I'm seeing that they met through internet, probably some of the apps or internet or some of the social network sites. So they met through internet and they got something common interest and everything. But this particular person, this third person, is basically a karmic relationship in your partner's life. So I'm seeing that slowly, gradually, this person will be removed from your partner's life, and you will be the one who will be there in their life, because you are their soulmate. And there is 5 of cups and 4, there are 5 of cups and 4 of pentacles, which says that you cannot expect anything from this person right now. It will take some time, like 4 or 5 months. He or she is not going to come back to you, not going to give you any commitment. Either way, not going to talk to you. They will return after sometimes. It will take some time, like until April, May. It will be same. Like they are kind of a very cold at present. They are giving a cold shoulder to. They gave a cold shoulder to you and they left from your life. So it will take some time. Another, say about another few years, after another, not few years, few months, like after April, May, they will return to you, and that particular time you will have a chance to talk to this person, and they will definitely tell you what is, why they have left you and what is the reason behind leaving you. Everything they will explain in details, and then probably they will give you commitment too. So these things, enter things happen because of this third party or third person with whom they met through social media or social gathering. So I'll discuss about your energy, and by month of August, September, they will come back to you. July, August, September, this person will return in your life. So now I'll tell you something about your energy, so you will know that this reading is for you only. So your date of birth would be 4/22/31 and 13, 1/10/19 and 28, 5/23 and 14, 8/26 and 17, 2/20/11 and 29, 9/18 and 27. And your name's first or last letter of the name could be K, J, E, A, P, L, R, S. So that could be your I, G, N. So that could be your first or last letter of the name. Now about you, you have some, like you have habit of keeping everything very clean, especially your house clean. You are a domestic person. You don't like to go out more. You like to be in home. Even you are traveling so much, you like to be in home. So you're kind of a domestic person. You are a self-critical person. Always you do a self-critics and judge yourself, that where you went wrong and what is happening in your life, why those things are happening in your life. You are a methodological person. That means you always pre-plan for everything and then take a step. You are a shy person or an introvert person, and you are someone who doesn't like conflicts. If something is happening, like physical things are happening, physical fighting or conflicts, you don't like those things. So that is all. And you are very open while having communication with your own people. You are being very open to that, and you believe in spirituality, but you don't believe in miracles. So that is all about your energy. You could be a Gemini, you could be a Libra, you could be an Aquarius, or you may be a maybe a Scorpio or Leo or Aries or Virgo. So that is all about you. And here I complete your reading. Please subscribe my channel, like my video, write below to my video, so you can win this kind of bracelet. These bracelets are free in my channel. If you support my channel for a very long time, if you want to purchase this paying money, then you can actually contact me through WhatsApp. It is showing on this videos on top of this video. Now for those who choose this crystal ball, जिन्होंने crystal के ball choice करा था, उनके लिए रीडिंग करेंगे. देखेंगे कि आपके बेसिकली आपके कार्ड्स क्या है, और आपके ब्रेकअप क्यों हुआ है, और आगे में क्या है, ब्रेकअप होने की रियल रीज़न क्या था, आगे में क्या है, कब तक आपके पार्टनर वापस आएगा कि भी नहीं आएगा, सारी चीज़ देखेंगे. या कब तक वो वापस आएगी कि भी नहीं आएगी, सारी चीज़ देखेंगे. शायद आप सोचते हो कि आप ही थे जिसके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, और अगर आप ये सोचते हो तो बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि आप ही हो जिसके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है. आपके साथ नहीं तो इनके शादी जो है, आपके पार्टनर के शादी बहुत ही प्रोमिनेंट था कि आप इनके सोलमेट हो और आप ही के साथ शादी होने वाला था, लेकिन आपने कुछ ऐसे किया जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होता था और लड़ाई झगड़ा इस तरीक़े से होते थे। कोई भी बातों पे आप शुरू हो जाते थे क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। आप मेरे जो व्यूअर्स हो, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी के चलते आप लोगों के बीच में खूब लड़ाई हुआ, खूब लड़ाई, मतलब ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है। और लड़ते लड़ते आप लोगों की सिचुएशन ऐसे हो गए कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। खूब लड़ाई होता था और उस लड़ाई इतना ज़्यादा फैल गए कि आप दोनों के ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहा है। मुझे आपके अंदर मेरे व्यूअर्स जो है, आप लोग प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए चैनल से। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहे तो मुझसे पर्सनल हीलिंग ले सकते हो या किसी से भी लीजिए, लेकिन आप प्लीज़ हीलिंग लीजिए क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है और जिसके वजह से ही आपके ब्रेकअप हुआ है। नहीं तो आपके सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हैं और आप दोनों की शादी भी था और अभी भी है, अभी भी शादी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लड़ाई बंद कर दोगे, बोल दोगे, तो शायद आप दोनों के शादी हो भी जाए। आपके साथ पार्टनर आपको लेके काफ़ी पैशनेट था एक टाइम में, या थी, और बहुत ज़्यादा लाइक भी करता था, लेकिन इतने ज़्यादा आपने लड़ाई किया है, कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। सर्कसिज्म व्हाट हैपन टू सर्कसिज्म जो है ना, वो आप उस तरीके के सर्कस्टिक वे में बात करते हो, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। ओपिनिएटेड हो आप, ओपिनिएटेड इंसान हो, जैसे कि आपके ओपिनियन आपके मैटर करते हैं, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी बोले आपको मैटर नहीं करते। हर चीज़ों में आपको अपना ओपिनियन सुनाना होता है, बोलना होता है। कई लोग ऐसे होता है, मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो मेरी क्लाइंट है, आते हैं और वो अपने ओपिनियन मुझे थोप के चले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मैं उनको बताती हूँ बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उनको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो जैसे चल रहा हूँ लाइफ में, वो बहुत सही तरीका है। एंड जब मैं बोलती हूँ वो सुनते भी है कभी कभी, लेकिन उनके दिमाग में नहीं जाते हैं, बट आगे जाके वो लोग वैसे ही करते हैं। और मुझे पता भी चलते हैं जब मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, और ट्रस्ट में मैंने उनके लाइफ में देखा है कि बहुत आगे चल के उनके लाइफ बहुत ख़राब रहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है लाइफ से या कहीं से भी, अनटिल एंड अनलेस दे चेंज देमसेल्फ एंड बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो ये होता है, और ये चीज़ों को अगर आपके साथ है तो बदलना ज़रूरी है, आपके लिए, आपके खुद के लिए बदलना ज़रूरत है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको एडवाइस देना पसंद है, लेकिन एडवाइस लेना पसंद नहीं है। अगर कोई आपको कुछ एडवाइस देते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, आप उसे लेते नहीं हो। और आप थोड़ा मिस्टीरियस पर्सन भी हो, जैसे मिस्टिकल पर्सन होता है, वो मिस्टीरियस पर्सन आप हो। आपको आप क्या बोलते हो, मतलब हर चीज़ आप ओपनली बात नहीं करते हो, बट वो आपके पार्टनर है, आपसे शादी करेगा या करेगी तब भी करेंगे ना, जब आप उन्हें खुल के बात करोगे। तो यू आर समवॉट अ मिस्टीरियस पर्सन एंड हमेशा जैसे कि है कॉम्पिटिटिव रहना। आपको कई पर जैसे कि है आप काम कर रहे हो, वहाँ पर में कौन आपके आपसे अच्छा कर रहे हो उसको कंपटीशन देना, इन सब चीज़ों में रहते हो। आई नो फोकस्ड होना और करियर में फोकस्ड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर जिसे प्यार करते हो उसके साथ हमेशा काम के बारे में बात करते रहोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उनको पसंद नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ अगर आप बदल सकते हो तो योर लाइफ वुड बी वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि आपको, आपके पास ना स्कॉर्पियो और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप इधर तो स्कॉर्पियो होंगे या वर्गो होंगे, या आप हो सकते हो टॉरस, एंड आप हो सकते हो कैंसर। टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो की एनर्जी बहुत खुल के आ रही है। टॉरस वृषभ राशि, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड वर्गो के कन्या राशि। एंड आपके पार्टनर बहुत ही कूल पर्सन है, जैसे आप हो, आपके एकदम ऑपोजिट है। कूल पर्सन है लेकिन थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। उनको बातें करने में, उनको कोई भी चीज़ें करने में, एक्शन लेने में बहुत स्लो है। और आप एग्जैक्टली उसके उल्टा हो कि आपको हर चीज़ तुरंत ही चाहिए। वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक धीरे धीरे चीज़ें करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ में आपको लेके एक स्टेबिलिटी चाहता है जहाँ पर आपके अंदर ठहराव है ही नहीं। आप हमेशा ऑफिस की बात करोगे, ये वो बात करोगे। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर नर्चरिंग है एंड बहुत ही उनके थॉट प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा, एकदम सीधा लाइन में जाने वाला इंसान है। तो जो आपको शायद पसंद नहीं है, ठीक है, आपको शायद पसंद नहीं है। आप मेरे जो व्यूवर्स हो, अगर आप लड़की हो या लड़का हो तो आप बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं हो। बॉडी जो वेट है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों का एवरेज वेट के लोग हो। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 8, 26 and 17, 2, 20, 11 and 29, 1, 10, 19 and 28 and 7, 25 and 16 and 6, 24 and 15 and 3, 30, 21 and 12। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं W, R, T, K, S, M, V, D, R, O, J, F, L। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर, और A इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिल सके। ये वीडियो के अंत तक देखिए, मैं बताऊँगी कि किस तरीका के फ्री में जीत सकते हो। अगर पर्सनली लेना है तो हीलिंग के ब्रेसलेट ले सकते हो। इस वक्त में आप इधर तो ब्लू, येलो, लेमन कलर, येलो या ब्राइट येलो कलर, ब्लू कलर या पर्पल ऐसे या ब्राउन, इस तरीका के कलर्स के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटैर ऐसे कुछ पहने हुए हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ और आगे चलते हैं और देखते रीडिंग करते हैं। जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आते, इंग्लिश में जिनको समझ में आता है, फॉर देम इन इंग्लिश। दिस पर्सन, योर पर्सन इज़ लॉयल टू यू, they love you, they are a very, very cool personality, they are someone who likes stability in their life, they are slow in every process, they think a lot and then take a decision, they're very nurturing person, very good thinking, like they have always positive thinking person, but you are totally different than them. So here what we are seeing, that it's a personality clash, because you are a different person. You like to circus, you like to talk in a sarcastic way, you actually point people out. Even you give a gift, you say that, oh, I remember I gave you a gift. A very strategic person, always plan and then invest, and always plan and then do things. And for you, you are very workaholic person, work is everything for you, giving competition in work, doing good and to try to earn more and more. But your person is very, very different than this. They are very different. They are simple, straightforward person. They want stability in their life, they don't want much money, they are cool person, nurturing person. They are different and you are very different. So that is the major problem. You are very opinionated person. Opinionated person means you always give opinion for everything, you always give advice for everything, but you don't want to learn any advice from anyone. So that is all about your energy, and that is why the problem has occurred here. You and they are always fighting with each other, and if you really want to flourish this relationship, you have to change your behavior first. And the second thing, I'm seeing that you also have some of the negative energy. For that, you are already suffering, like you have some health issues, some other issues, and I'm seeing that you will definitely, things will change. and you will change. And I'm seeing that this with the Three of Cups, definitely some like you will get some energy from outside, and you will somebody wise will give you some advice about it, and then you will change yourself. And Ten of Pentacles, definitely marriage is possible if you are not married with this person yet. And if you want to get, you are married and you just want to reunite it with this person, that's possible. That is there. They are still passionate about you. They love you. But all you need to do, you need to leave those energy and you need to change yourself a bit, because the things which you have, those are not very good qualities. Some of the qualities are very good, but some of the qualities are not good. So change a bit, compromise a bit, things will change, and eventually you both will be together because you have this soulmate connection. We will talk about your energy. Your date of birth would be 8, 26 and 17, 1, 10, 19 and 28, 2, 20, 11 and 29, 3, 30, 21 and 12, and 6, 24 and 15, and 9, 18 and 27. Your date of birth, your name's first or last letter of the name would be A, B, K, P, C, M, Y, L, V, so W, T. So these are your first or last letter of the name, and that is all about this energy. You must be wearing a purple color dress, shirt, t-shirt, top, or brown or white or blue color shirt, t-shirt, dress, top, or attire. So that is all about your energy. That is all about today's reading. Hopefully you like my channel. So if you like my channel, please subscribe my channel, like my video, and write below to my video so you can win free bracelet. अब कैसे ये ब्रेसलेट जीत सकते हो मैं बता देती हूँ। ये ब्रेसलेट जो है ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा कॉस्ट लगते हैं। ये ब्रेसलेट आपको मिल सकते हैं मेरे चैनल से। बेसिकली आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे में लगातार लिखना है, और कम्युनिटी टैब में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके नीचे में लिखना है। आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल जाएगी। और आपको लॉटरी सिस्टम होती है, एवरी 3 to 4 मंथ्स के बाद जो रेगुलर बेसिस में लिखते हैं उनके नाम लेके मैं शफल करती हूँ। उनमें से 2 लोगों को ब्रेसलेट देती हूँ फ्री, और 3 लोगों को फ्री टैरो कार्ड रीडिंग। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।